है गाइस, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आपका जैसे 4000 घंटा 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुका है तो उसको अंडर रिव्यू में कैसे भेजते हैं, इसके बारे में पूरा स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। और अंडर रिव्यू से कितने घंटे बाद या कितने दिन बाद वापस आते हैं और वापस आने पर आपको कैसा लिखा हुआ मिलते हैं, इसके बारे में आपको पूरा डिटेल बताने वाला हूँ। और जो कि उसका एडसेंस है, जो कि एड्स है, उसको ओपन कैसे करते हैं, इसके बारे में पूरा डिटेल बताने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहिएगा। चलो फिर आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, चैनल अंडर रिव्यू में भेजने के लिए सबसे पहले जाना पड़ेगा हमें क्रोम ब्राउज़र में। क्रोम ब्राउज़र ओपन करने के बाद यहाँ पे डायरेक्ट यूट्यूब में चले जाएंगे। यूट्यूब में आने के बाद यहाँ पे आपका जो लोगो दिख रहा है वहाँ पे सिंपल क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यूअर चैनल पे क्लिक करना है। जैसे यूअर चैनल पे आएंगे दोस्तों, जैसे नीचे आएंगे उसके बाद यहाँ पे यूट्यूब स्टूडियो पे चले जाना है। यूट्यूब स्टूडियो में जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएंगे। उसके बाद जैसे यहाँ पे नीचे करोगे तो यहाँ पे ऐड का ऑप्शन आ जाएंगे। यहाँ पे ऐड पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे दोस्तों, यहाँ पे 4000 घंटा प्लस 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुका है। तो सिंपल अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। अप्लाई नाउ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे सबसे पहला नंबर स्टेप जो रहता है इसको फॉलो करना है, कि मतलब इसका मतलब है कि आप यूट्यूब के बारे में जानते हो या नहीं। चलो स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट पे क्लिक करते हैं। स्टार्ट पे जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे बोल रहे 18 साल से पहले जो एडसेंस अकाउंट था वे इनेबल नहीं होगा, जो कि आईडी है 18 साल से पहले नहीं होना चाहिए। तो सिंपल यहाँ पे आई एक्सपर्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद सिंपल यहाँ पे एक्सपर्ट टीम पे क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे दोस्तों, यहाँ पे कुछ सर्च लेंगे, अपडेट होंगे, तो अपडेट कर लेते हैं। इसको थोड़ा देर वेट कर लेते हैं। अपडेट होने के बाद यहाँ पे देख सकते हो डन लिखा हुआ आ गया है। यहाँ पे देख सकते हो डन लिख गया है। उसके बाद जाना है हमारे स्टेप टू में। तो स्टेप टू में जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे सिंपल स्टार्ट पे क्लिक करना है। स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है कि आपके पास एडसेंस अकाउंट पहले से यदि बना हो तो यस पे क्लिक करना है, यदि आपके पास एडसेंस नहीं बना है तो नो पे क्लिक करना है। आपको कुछ मालूम नहीं है तो फिर लास्ट वाले में तीसरे नंबर पे क्लिक करना है, आई डोंट टी अकाउंट पे क्लिक करना है। तो सिंपल जैसे आपके पास एडसेंस है तो सिंपल यहाँ पे एडसेंस पहले से जो बना के रखे थे यहाँ पे पहला वाला यस मेरे पास एडसेंस है ऐसा करके, उसके बाद सिंपल कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे फिर से अपडेट लेना स्टार्ट हो जाएगा, डायरेक्ट यहाँ पर चले आएँगे। उसके बाद यहाँ पर अपना जो पहले जो एडसेंस बना हुआ है उसमें का जीमेल आईडी आपको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट कर लेता हूँ दोस्तों यहाँ पे। तो जैसे यहाँ पे सिलेक्ट किया उसके बाद लोडिंग लेगा। लोडिंग लेने के बाद डायरेक्ट एडसेंस अकाउंट में जोड़ दिया जाता है आपको। तो सिंपल यहाँ पे आपको एक्सपर्ट पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे एक्सपर्ट पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर भी लोडिंग लेगा। उसके बाद दोबारा एडसेंस में चले जाएंगे दोस्तों यहाँ पर। उसके बाद आप कुछ नहीं करना है, 5 सेकंड तक इंतज़ार करना है। तो दोस्तों हमारा स्टेप नंबर 1 भी हो गया है, स्टेप नंबर 2। अब यहाँ पे स्टेप नंबर 3 आ जाते हैं। तो बाय द वे हमारे चैनल अंडर रिव्यू में चला गया है, तो इसके लिए थोड़ा देर इंतज़ार करना होता है, 1-2 दिन। उसके बाद ऑटोमेटिक ईमेल कर देता है कि आपका चैनल जो है मोनेटाइज हो गया है। तो दोस्तों आज नेक्स्ट दिन है जो कि हम चैनल अंडर रिव्यू में भेजे थे। तो 24 घंटा हो चुका है। तो सिंपल हमें क्रोम ब्राउज़र में जाके यूट्यूब में जाके इसको देख लेते हैं कि ये काम कर रहा है या फिर नहीं, या फिर मोनेटाइज हुआ है या डिसेबल हुआ है। तो सिंपल यहाँ पर लोगो पर क्लिक करते हैं। लोगो पर क्लिक करने के बाद यूअर चैनल पर चले जाना है। यूअर चैनल पर जाने के बाद कुछ यहाँ पे YouTube स्टूडियो में चले जाना है, जो कि पहले जिस मोनेटाइज भेजे थे सेम वही प्रोसेस करना है दोस्तों हम लोग को। तो यहाँ पे वेट ले लेना है। वेट लेने के बाद सिंपल यहाँ पे वीडियोस पे चले जाना है, जो कि वीडियोस का ऑप्शन रहता है। तो दोस्तों सिंपल यहाँ आ गए हैं, आप देख सकते हो हमारा चैनल जो है मोनेटाइज हो गया है। यहाँ पर मोनेटाइज ऑफ लिखा हुआ है। और आपको दिखा देता हूँ जो कि एडसेंस वाले में आपको जाके एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ जो कि एडसेंस में जाके, तो यहाँ पे लिखा हुआ है डायरेक्टली आपका मोनेटाइज हो चुका है दोस्तों। सिंपली यहाँ पे मोनेटाइज हो गया है। हम लोग अर्निंग कर सकते हैं यूट्यूब चैनल से। यहाँ पे
अर्निंग मनी फ्रॉम योर यूट्यूब चैनल, जिसका मतलब है हमारा जो यूट्यूब चैनल है वे ऑलरेडी मोनेटाइज हो चुका है। तो कुछ इस तरह से स्टेप बाय स्टेप मोनेटाइज के लिए अप्लाई करते हैं। मोनेटाइज अप्लाई को लेके पूरा मोनेटाइज होते समय का वीडियो आप लोग को कैसा लगा प्लीज़ यार कमेंट में ज़रूर बताना, और आपका चैनल पे कितने सब्सक्राइबर है या फिर मोनेटाइज हुआ है या नहीं हुआ है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना।